आज हम लोग एक एक ईयर के पेपर उठाएंगे और एक एक ईयर के पेपर के सभी प्रश्नों को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे कहाँ कहाँ से पेपर आते हैं। और आप ये देखेंगे कि पूरी सीटेट की जो प्रश्नोत्तर की सीरीज है एनसीईआरटी ईवीएस पे है। तो आज की जो क्लास होने जा रही है वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, खासकर उनके लिए जो इलेनी भी दुर्गेश की ऑनलाइन क्लास पहले से ज्वाइन करके इलेनी भी दुर्गेश पे लगातार पढ़े थे। आज उनको सारे प्रश्न को हलवा की तरह लगेगा, मतलब उन्हें इतना आसान सा लगेगा वो शायद खुद में भी सोच नहीं पाएंगे। तो जैसा आप इस वीडियो में जुड़िएगा, पहले लाइक करिएगा, फिर लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा और एक एक प्रश्नों का जवाब देते चलिएगा। कॉपी कलम लेकर बैठे रहिएगा, अगर आपके पास एनसीईआरटी किताबें हो तो दी बेस्ट है आपके लिए। तो ठीक है, 9:30 बजे प्रतिदिन रात ईवीएस की महागाथा सीरीज में मैं दुर्गेश जायसवाल आप सभी के साथ नियुक्त भर्ती के साथ, भर्ती के बाद और तब तक जब तक आपकी नियुक्ति ना हो जाए। शुरू करते हैं आज की क्लास बिना रुके, बिना समय गवाए, एक लक्ष्य की तरफ, मिशन सफलता। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है और ये प्रश्न गणित का प्रश्न है, लेकिन आपने देखा होगा कई साल से ईवीएस में यहाँ तक इस तरह के जो प्रश्न है पूछे जा रहे हैं, इस तरह के ईवीएस में प्रश्न कई सालों से लगातार दर साल पूछे जा रहे हैं। तो जब भैया ईवीएस में पूछे जा रहे हैं या सीटेट अभी तक इस टाइप का सवाल 7 से 8 बार पूछा जा चुका है, मतलब कि इन्हें 2 स्थानों के बीच की दूरी देता है और ट्रेन से यात्रा करने का समय देता है और चाल पूछता है। हमें जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और एक एक करके उनका हल भी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि आप रेडी हैं, और जब तैयार हैं तो वीडियो को शेयर भी तो करेंगे कि शेयर करना नहीं है, कसम खाएं शेयर नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से गुजरात से नगर कोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 जिसे कहते हैं 19:45 नगर कोइल कुल पहुंची। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन की मार्ग दूरी हमें लग रहा है क्वेश्चन अधूरा है क्या, एक मिनट देखते हैं। कोई व्यक्ति 29 नवंबर को यहां से ट्रेन से चला, ठीक है, और जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत को, अच्छा ये प्रश्न जो है टाइप जो हुआ था वो अधूरा टाइप हो गया है, मैं पहले आपको इसकी व्याख्या कर दूं। यहाँ पे आप दोनों टाइम नहीं दिया, कब वो चला था कब पहुंचा था। तो यहाँ पे बैठने का समय नहीं दिया, इसलिए प्रश्न अधूरा टाइप नहीं हो पाया पूरा। कितने समय बैठा था और यहाँ पे बजे नगर वो पहुंचा, कितने बजे ट्रेन चली थी नहीं दिया था। तो जो ट्रेन चली होगी कुल दूरी, तो चाल निकालेंगे, हमें जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में जब शायद प्रश्न को टाइप करते समय थोड़ी सी गलती हो गई। कोई व्यक्ति 3 नवंबर की एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात के नगर को लेकर बैठा, यह ट्रेन पहुंचने का समय दिया है, चलने का समय नहीं दिया, इसलिए यह सवाल तो नहीं लग पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा, ढीले करना पड़ेगा पहला सवाल। आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? यह हमारी नोट्स में है, यह प्रश्न हमारी नोट्स में है और यह एनसीईआरटी कक्षा 5 में है जो हमने आपको पढ़ाया है। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है बताइएगा, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। देखिए यह 3 टॉपिक, यह भी सीटेट के एनसीईआरटी में है, यह भी एनसीईआरटी में, यह भी एनसीईआरटी में, तीनों टॉपिक एनसीईआरटी में है। यह अंतरिक्ष अध्ययन में है, ये बछेंद्री पाल में है और कर्णम महेश्वरी। तो इसका उत्तर जो होगा वह कर्णम महेश्वरी होगा, कर्णम महेश्वरी। इन्हें 2000 में ओलंपिक के लिए कांस्य पदक मिला था। कौन सा पदक? कांस्य पदक वेट लिफ्टर के लिए मिला था। किसके लिए? वेट लिफ्टर के लिए कर्णम महेश्वरी को मिला था। यह हमारे नोट्स में भी है और एनसीईआरटी कक्षा 5 में है, अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा। जी हाँ, जो भी साथी लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर उन्होंने इस एनसीईआरटी किताब को पढ़ा होगा जो हमारे नोट्स में था, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते थे। और हमने जब कल पढ़ा रहे थे, हमने वहाँ सीरीज में आपको बताया था कर्णम महेश्वरी के बारे में, थोड़ी बातें आपको बताया था, सुनीता विलियम्स को पढ़ाया था, बछेंद्री पाल को पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी किताब है, आपके पास सुरक्षित रखेंगे, मैं पेज नंबर के साथ आपको बताऊंगी। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? 4 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ गया। नीचे दिया गया कौन सा जो समूह है, समूह का जड़ों का समूह है, तो जरा आप कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समूह है जो जड़ का समूह है बाकी तना का समूह है। तो फटाफट इस वीडियो को पहले तो शेयर कर दीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते और
इसीलिए संख्या कम रहती है, मुझे भी पढ़ाने की इच्छा कम होती है कि आप लोग शेयर ही नहीं करते। ठीक है, मैं भी शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग तो शेयर नहीं करते। ठीक भैया, शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुँचेगा, नहीं शेयर करेंगे तो लोगों तक नहीं पहुँचेगा। कर दिया करिए। जो है ईवीएस की महागाथा सीरीज है ये, जहाँ पे सुपर 30 महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न पढ़ाएंगे हम, और जो प्रीवियस ईयर से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि हमारा एक ही मात्र उद्देश्य है कि आपको सिलेक्शन दिलाना, चाहे भी जैसे सिलेक्शन दिलाने के लिए हम और आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, तो हम शेयर कर दे रहे हैं, आप भी शेयर कर दीजिए फटाफट, लोगों तक पहुंच जाए। जैसे जो साथी फेसबुक पे शेयर कर दे, क्या होगा बताइए फटाफट, सभी लोग कमेंट करके बताएं। भैया सीटेट ऐसे नहीं पास होंगे, सीटेट पास करना है तो इस तरह के सारे प्रश्नों को आपको उत्तर बताना पड़ेगा। आइए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उत्तर की तरफ ले चलते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो गाजर है वो क्या है, जड़ है, तो गाजर यहाँ है, गाजर यहाँ है, गाजर यहाँ है, तो गाजर हल्दी अदरक, जी हाँ गाजर हल्दी अदरक, माने जो इसका समूह यह है, ये जड़ का समूह है, ये किसका है, यह है जड़ों का समूह है। जी हाँ आप ध्यान दिखेगा, यह जड़ों का समूह है। देखिए हाँ, इसकी जड़ें हल्दी की हल्दी अदरक और गाजर, यह जड़ों का समूह है, बाकी में तना और जड़ मिलाकर है, इसलिए इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा वो क्या होगा, दूसरा इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या आगे करेंगे, लंबी हो जाएगी। ये अगला प्रश्न, ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी हमारे नोट्स में आपको मिलेगा। नामक एक पेड़ है जो पाया जाता है, अगर आपने हमारी नोट्स इलर्निंग दुर्गेश की पढ़ी होगी तो आपको यह प्रश्न आपको आसानी से मिल गया होगा। ये एनसीईआरटी का है, 6003643671 पर आप व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। रेगिस्तानी ओक का नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे ये कहाँ पाया जाता है, बताइएगा। देखिए नाम इसका रेगिस्तानी ओक है, लेकिन यह कहाँ पाया जाता है, अभी आप लोग फटाफट कमेंट करिए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर करिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अगर रेगिस्तानी ओक की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस वृक्ष की एक बड़ी विशेषता होती है, जो ये वृक्ष होता है, इस वृक्ष की एक बड़ी विशेषता होती है। ठीक है, और इसमें अगर राजस्थान की बात करें, रेगिस्तान में जो होता है, यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं, जल की तलाश में जाती हैं, और तने झाड़ियां जैसी होती हैं, तने में मोटे होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन ना हो, पत्तियां होती हैं तो कटीली होती हैं। ठीक है इनकी, हाँ, और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है रेगिस्तानी ओक का, वो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, वो भी हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। देखिए ऊपर एक प्रश्न था जिसको ये लोग लगातार विवाद में ले रहे हैं, इसमें से एक जड़ों का कौन सा समूह था जो गलत है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो जो गाजर चुकंदर मूली ये जड़ों का समूह है, कि जो गाजर होती है ये जड़ की, ये जड़ होती है, इसकी सब्जी हम लोग बनाते हैं जैसा कि आप सभी को पता है। अगर मूली की बात करें तो मूली जो भूमि के अंदर उत्पन्न होने वाला रूपांतरित प्रधान जल है, जो मूली है ये रूपांतरित प्रधान जड़ है, ये रूपांतरित प्रधान जड़ है, इसलिए मूली नहीं होगा। कुछ लोग मूली कह रहे थे जो चौथा, इसलिए मूली नहीं होगा। चुकंदर एक मुसला जड़ वाली है, जो चुकंदर है मुसला जड़ वाली है। ठीक, अदरक एक रूपांतरित, अदरक जो है एक रूपांतरित तना वाला जड़ है, ये रूपांतरित तना वाला जड़ है। अगर हल्दी की बात करते हैं आप, तो हल्दी अदरक जो है वो हल्दी प्रजाति का ही जड़ है। ठीक, इसलिए इसका उत्तर दूसरा होगा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको ध्यान से देखिएगा, यह हमने कल ही पढ़ाया था, यह भी एनसीईआरटी में पूरा है, शायद आपको ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न सीटेट का पूछा प्रश्न है, निभतनीश वह पौधा जो शिकार करता है, कि विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। यह प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है और आपको ये देखना है कितना आप सही करते हैं, क्योंकि हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी के बाहर नहीं, और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप अगर मेहनत से पढ़ देंगे तो कोई भी आपको सीटेट फेल नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शेयर जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए
थोड़ा सा विवादित प्रश्न भी था जब हम लोगों ने ये प्रश्न सीटेट का पूछा प्रश्न है। अगर आपने सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि सीटेट का प्रीवियस ईयर का हूबहू प्रश्न है। आइए देखते हैं इसकी क्या क्या बातें हैं। अगर हमारी क्लास आपने रेगुलरली होगी ये प्रश्न आप तुरंत कर लेंगे। कह रहा है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। सही बात है, ये कथन पूरी तरह सत्य, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप चाहें हम आपको दिखा भी दें, हमारे नोट्स में भी है और एनसीईआरटी में भी है पूरा पूरा। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, पेज नंबर 54 पे था ना, तो ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा क्योंकि हमने पूरा पढ़ाया है। कहाँ गया जी, जब कोई चीज खोजिए तो मिलता भी नहीं जल्दी। चलिए हम आपको भी दिखा देते हैं, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी में है। नेफनीश पौधा, चलिए अभी मिल जाएगा, तो खोजने को जल्दी नहीं मिलता। तो इसका क्या होगा, इसका आकार जो होता है घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। इसका जो मुंह होता है वो पत्ती से ढका होता है। यहाँ पे देखेंगे यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसा खाता है, जी नहीं, ये छोटे बड़े ये मेढक को भी फंसा कर खा जाता है। ये किसको, ये मेढक को भी फंसा कर खा जाता है, इसलिए ये गलत है। फिर कह रहा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों खींचने के लिए मोहक आवाजें निकालता है और इसमें फंस जाते हैं, जी ये भी गलत है। वह ढक्कन नुमा होता है, उसका ढक्कन खुलता है और उसमें ये समा जाते हैं। आइए हम इसके बारे में, अगर आप चाहें तो इसकी नोट्स भी हमने दिखाई थी, उस नोट्स में इसके बारे में विधिवत व्याख्या था, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो होगा ए और बी। इसका उत्तर क्या होगा, ए और बी होगा। यह सीटेट का प्रीवियस ईयर का पूछा और विवादित प्रश्नों में से एक है। तो आप लोग बताइए आप लोग कितने लोग इससे संतुष्ट हैं। मैं आपको दिखा दूं क्योंकि किस लेसन में है मुझे मिल भी नहीं रहा है। 54 में था क्या, ये देखिए मिल गया, देखिए एनसीईआरटी में था, ये देखिए पूरे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में साफ साफ इसमें लिखा गया था कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। तो जो चूहे आते हैं, जो चूहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि छोटे कीड़े मकोड़े, तो यहाँ पे छोटे कीड़े मकोड़े के साथ चूहा भी आता है। फिर कह रहा है ये मेघालय राज्य, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया पाया जाता है, इसमें खास खुशबू निकलती है और यहाँ पे क्या निकलता है, इसमें मोहक आवाजें निकलती है, यहाँ पे खुशबू निकलती है, इसलिए इसका उत्तर ए और बी राइट आंसर है और इसका ए विकल्प सही है। तो पूरा एनसीईआरटी में था इसलिए यहाँ पे कोई विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ क्योंकि हम पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं और एनसीईआरटी को ही पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी मैंने कल पढ़ाया था, एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया था और कहा था कि भारत की आजादी के पहले महात्मा गांधी जिस दांडी यात्रा समुद्र तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के किस राज्य में है। यह भी एनसीईआरटी कक्षा 5 में है, यह भी आपके एनसीईआरटी क्लास 5th की बुक में है। किसमें है, क्लास 5th की बुक में है। और हमने जब हमने पढ़ाया हुआ था तो मैंने वहां पे बताया था और यह भी क्वेश्चन मेरे नोट्स में था, पिछली बार भी था और इस बार भी। आपने अगर नोट्स हमारी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन आपको हमारे नोट से हूबहू मिल जाएंगे, सारे प्रश्न आपको नोट से हूबहू मिल जाएंगे। अब खोजना पड़ेगा, नहीं खोज के रखे होते तो हम तुरंत दिखा देते। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट कर जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। 12 मार्च 1930 घटना है, 12 मार्च 1930 को कहां से, गुजरात, कहां से, गुजरात। आप लोगों ने एकदम सही बताया, गुजरात इसका राइट आंसर होगा, इसका उत्तर क्या होगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के समय कपकपी जिसका उपचार सिरकोना पेड़ की छाल है, यह कहाँ पाया जाता है। यह भी हमारे नोट्स में, अभी तक जितना हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा था यह हमारे प्रीवियस नोट्स से सारे क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप बताइएगा, आप जानेंगे कि जब उच्च ज्वर जब होता है तो सिरकोना वृक्ष की छाल कुनैन से, सिरकोना वृक्ष की छाल कुनैन से किस बीमारी की दवा दी जाती है। फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। आपने अगर रिलेटिव दुर्गेश क्लास पढ़ी होगी, क्लास ज्वाइन की होगी, तो आपको पता होगा सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से। तो फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके सभी लोग बताएं कि सिनकोना वृक्ष की जो छाल कुनैन से, सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से किसकी दवा बनती है। तो आप लोगों ने एकदम सही बताया,
मलेरिया। तो जितने लोगों ने मलेरिया बताया उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है, माने मलेरिया आपके एकदम सही जवाब है। जी हाँ, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक प्रश्न आपके सामने आया है, ध्यान से देखिएगा, पहले आप इसे हल करिएगा। ये प्रीवियस ईयर पूछा प्रश्न है और अगर आप इसे हल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, और उसके बाद तब हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना बेहतर, उतना लोगों तक पहुंच जाएगा, ताकि हम लोग भी जब पढ़ाएं तो और मन से पढ़ाएं, क्योंकि आपकी संख्या जितना बेहतर होगी उतना अच्छे तरीके से और लंबी क्लास ली जाएगी, क्योंकि आपकी संख्या ये विदित करती है, बताती है कि पढ़ाने में कमियां नहीं है, और अगर आपकी संख्या कम है तो बात विदित होता है कि कहीं ना कहीं पढ़ाने में कोई कमी जरूर है। तो फटाफट शेयर करिएगा, सुपर 30 जीएस महागाथा सीरीज है और इसका उद्देश्य केवल केवल सिलेक्शन। आप लोग शेयर कर दीजिएगा ज्यादा ज्यादा लोगों तक, जो फेसबुक पे है फेसबुक पे शेयर कर दें। चलिए आइए इसको हम लोग बनाते हैं और बनाने के बाद तब इसका उत्तर जानते हैं क्या होगा। कह रहा है किसी डॉक्टर, ध्यान से ये देखते हैं, किसी डॉक्टर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। कोई डॉक्टर यस है मतलब यक्ष है, कहाँ बनाते हैं हम लोग, एक काम करते हैं स्पेज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाएगा, तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। कोई डॉक्टर है और कह रहा है कि वो डॉक्टर यक्ष पर है, माना यक्ष यहाँ पे है तथा उनका अस्पताल वाई वाई कहाँ नहीं पता। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो यक्ष के ठीक पूरब में 600 है। अगर इसके पूरब में जाएंगे, हमें मैप आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने जब नोट्स बताया था इलर्निंग दुर्गेश का जो मैंने मैराथन क्लास पढ़ाया था तो बताया था यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो पहले पूर्व की तरफ जाता है, तो पूरब कहाँ होगा, यक्ष है, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ से गया बिंदु ए तक जिसकी दूरी थी 600 मीटर। फिर वह बी पर जाता है जो ए से ठीक दक्षिण में है, ए से ठीक दक्षिण में अगर हम जाएंगे यहाँ आएगा तो इसकी दूरी होगी 450 मीटर जिसका नाम होगा स्थान बी। ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर फिर वो सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम 120 किलोमीटर है, फिर वहां से बी की तरफ जाएगा, बी से सी की तरफ जहां से 120 किलोमीटर की दूरी है, 20 मीटर की दूरी है, कितनी 120 मीटर की दूरी है, और अंत में वाई पर अपने अस्पताल पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में है 90 मीटर की दूरी में। सी से ठीक 90 मीटर अगर आप जाएंगे तो यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ पे सी से वाई अस्पताल पहुंच गया जो 90 मीटर का, क्योंकि 450 में खींचा हुआ था। अब अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर कहाँ है, अस्पताल यहाँ है, डॉक्टर घर यक्ष पर है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है अगर हम यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे यही दूरी निकालनी है, यह दूरी कौन सी होगी, हमने देखा है यहाँ पे जो दूरी है कौन सी होगी, तो ये दूरी पूछा है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट होगा। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है, आप पश्चिम उत्तर, तो पश्चिम उत्तर कहाँ पे आपका बी है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप लोग एक बार ध्यान देखिएगा, सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे, हमारे नोट से सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, और आप किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ ले, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और लोग कमियां भी निकालते हैं मुझमें, लेकिन जितने लोग यहाँ पढ़ेंगे वो जब परीक्षा से बाहर निकलेंगे तो कई बात करेंगे इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स से, इलर्निंग विद दुर्गेश क्लास से सारे प्रश्न आ गए। मैं इसे दोबारा समझाऊंगा, मुझे प्रश्न ही पूरा याद हो गया कैसे आइए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर यक्ष है, पहले तो मैं आपको दिशा पढ़ा दूं, ये दिशा जो होता है ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें 90-90 अंश का कोण होता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे 45-45 अंश पे तो हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे खींचेंगे तो क्या होता है नॉर्थ वेस्ट, ये क्या होता है साउथ वेस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे जो प्रश्न शुरू कर रहा है वो कह रहा है एक डॉक्टर है, डॉक्टर कहाँ पे है, एक डॉक्टर थे वाई पे उनका घर था, ठीक है, और ये घर से निकलते हैं कितनी 600 मीटर की दूरी पर जो उनके घर से पूर्व दिशा की तरफ बिंदु ए था, फिर वहां से दक्षिण दिशा की तरफ घूमते हैं और बिंदु बी तक पहुंचते हैं, कहां तक, बिंदु बी तक जो उनके घर से 450 मीटर की दूरी पे था, फिर अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ पश्चिम तरफ घूमते हैं बी से 120 मीटर, कितना 120 मीटर, तो पहुंचते हैं बिंदु सी पर।
और फिर सी से 120 मीटर उत्तर की तरफ चलते हैं, 90 मीटर, फिर ये यक्ष पर पहुंचते हैं अपने घर, ये कहते हैं 90। अब यहां से इनके सापेक्ष अपना घर बताना है, तो यहां से वाई कहां होगा, यहां से इससे चार बिंदु काट देंगे तो वाई की दूरी ये होगी। ये कौन सी दूरी है, ये दूरी कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। इसका उत्तर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। हमने क्या देखा, इसका जो उत्तर निकलेगा वो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो जितने लोग लाइव देख रहे थे क्या उनको ये समझ में आया, कुछ नहीं करना है, दिशा का ज्ञान आपको अगर है तो ये प्रश्न आप एकदम आसानी से हलवा की तरह कर लेंगे। मैंने हलवा एकदम आसान होता है, इससे सरल नहीं होगा, पूरी तरह से फुली एनसीईआरटी है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन ही हमको याद हो जा रहा है एक बार में, तो आप सोचिए कि एनसीईआरटी हमने कितना अच्छे से पढ़ा है। एक छोटा सा प्रश्न आपके बीच आ चुका है, चेराओं नाच कहां के लोग करते हैं, चेराओं नाच, यह भी एनसीईआरटी क्लास फोर्थ में है, क्लास फोर्थ में है, और हमारी नोट्स में आपको मिल जाएगा, जो इलनिब दुर्गेश पर दुर्गेश सर्च करके इलनिब दुर्गेश पे आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा सभी लोग, बताइए चेराओं नृत्य कहां का है। फटाफट बताइएगा चेराओं नृत्य कहां का है, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा चेराओं नृत्य कहां का है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं चेराओं नृत्य कहां का है। सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, ये पूरा नोट्स में हमारे आपको मिल जाएगा। जितने भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ की पढ़े, चाहे हिंदी शिक्षण पढ़े, प्रीवियस ईयर नोट्स अगर आपने लिया होगा वहां भी आपने देखा होगा, यहाँ होगा मिजोरम। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा, चेराओं। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्लास फोर्थ में, ठीक है। हमने पूरी एनसीईआरटी रट मार ली है, पूरा एनसीईआरटी पूरा तैयार कर लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में निकटवर्ती राज्य है, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपको बताना है। आइए हम इसके बारे में छोटा सा मैप बनाते हैं और फिर हम आपको तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य को आपसे ही पूछेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया। देखिए मैप थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा तो उसके लिए परेशान ना होइएगा आप लोग, ठीक है। ये माना हमारा भारत है, ये हमारा भारत हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कि पूछ रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती, किसको पूछ रहा है, तमिलनाडु के निकटवर्ती। देखिए किसके पूछ रहा है, तमिलनाडु के निकटवर्ती। आइए हम आपको दिखाएं यहां पे तमिलनाडु कहां पे है, ये हिस्सा आपका तमिलनाडु है, ये ब्लैक कलर वाला आपका तमिलनाडु हो गया। अब हम इस पे अन्य कलर जो यूज करेंगे वो आपका, यहां से देखिएगा नीला कलर यूज करते हैं, यहां पे होगा केरला, यहां पे एक होगा केरल, ठीक है। केरल के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्नाटका है, और यहाँ पे क्या है आपका आंध्र प्रदेश। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे तमिलनाडु के पश्चिम पे आएंगे आपको केरला मिला, केरला के ऊपर जाएंगे तो कर्नाटका मिला आपको, कर्नाटका के ऊपर यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश। माने तमिलनाडु से तीन राज्य सटे हुए हैं, कितने राज्य, तीन राज्य, कौन कौन से, ये हो गया आपका तमिलनाडु, उसके पश्चिम में केरला, उसके वहां पे जाएंगे कर्नाटक, और ऊपर जाएंगे यहाँ पे क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ये पूरा मैं मैप आपको पढ़ाऊंगा, एकदम परेशान ना होइएगा, एकदम एक नंबर भी आपका नहीं छूटेगा। इलनिब दुर्गेश आपका वादा है कि पर्यावरण में 30 के 30 आप करेंगे, पर्यावरण में 30 के 30 आप करेंगे, और आप उठा के इतिहास पूछिएगा, जितना लोग पढ़े थे इलनिब दुर्गेश से हूबहू प्रश्न आया जो हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट चला तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा है, हमने क्या क्या देखा कि यहाँ पे भी मैं बना देता हूं मैं, ताकि आपको तुरंत बताने में कोई असुविधा ना हो। हाँ अब जरा हमको बताइएगा यहाँ पे तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा है, यहाँ पे तमिलनाडु था तो तमिलनाडु के पश्चिम में केरला, केरला कहाँ पे है, यहाँ पे केरला, यहाँ पे केरला, तो छत्तीसगढ़ नहीं था, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, फिर क्या था, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र यहाँ पर है, फिर उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ पर है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा चौथा। जी हाँ इसका उत्तर क्या होगा, चौथा, आंध्र प्रदेश इसके ठुक ऊपर, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, केरला यहाँ पे केरला है, और कर्नाटक यहाँ पे कर्नाटक है। तो यह तमिलनाडु के आसपास कितने राज्य हैं, तीन राज्य हैं, जिनके नाम क्रम से आपने देख लिया, ठीक है। क्या आप लोग को दिखाई दिया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि कर भला तो होगा लोगों तक पहुंचाइए। अगर
मैं पर्यावरण की गारंटी, गणित और हिंदी शिक्षण की मैं गारंटी लेता हूं, इसीलिए नहीं बुजुर्गेश के प्लेटफॉर्म से कि मैं 30 के 30 सभी में करवाऊंगा। आप ये देखते रहिएगा प्रतिदिन 6:30 बजे CDP, 7:30 बजे मैथ, 8:30 बजे हिंदी, 9:30 बजे पर्यावरण, NCERT सारा क्लास NCERT बेस्ड, इसकी तो कर सकते हैं। अगला है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे पेज, कह रहा है कि NCERT 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो फटाफट आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। बताइए, सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बताएं, आप लोग शेयर नहीं करते तो वो कितना भी बेहतर मैं पढ़ाता हूं, जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा कोई वैल्यू नहीं होगा। आप लोगों तो पहुंचाइए, शेयर करिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर एक जगह। आपके पैसे नहीं कटेंगे लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। जो साथी फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे भी शेयर कर दे, मैं आपका कमेंट फेसबुक पे भी ले लेता हूं। कि प्राय आपकी शिकायत रहती है मैं फेसबुक पे कमेंट नहीं ले पाता। बताइए, आप लोग पूछ सकते हैं जो प्रश्न आपको दिक्कत हो या जो कुछ पूछना हो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लिक करके बताता हूँ, NCERT 2005 का फुल फॉर्म भी बताते रहिए आप लोग। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो NCERT 2005 का फुल फॉर्म बता दें। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिएगा, अनुसार निम्नलिखित में क्या प्राथमिक स्तर पर नहीं है? विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। देखिए ये तो है, मतलब आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके अंदर सृजनात्मकता, उनके अंदर जिज्ञासा है, उनके अंदर उत्साह है, ठीक है, उनके अंदर उत्साह है, इसके लिए क्या होगा? इसका विकल्प ए तो एकदम सही है, लेकिन गलत पूछा है, गलत। अवलोकन करना, बच्चों को अवलोकन करना सिखाना है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, निष्कर्ष निकालना आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संकल्पना करना, यह भी NCERT में है, यह भी हमारे नोट्स में आपको आगे मिल जाएगा, यह भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, माने यह भी सही है। आपको गलत कथन पहचानना क्योंकि नहीं पूछा है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी आपने पढ़ा है। लेकिन अब जो पढ़ना है वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण की समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल, तो यहाँ पे रटने की बात, याद करने की बात कर रहा है, का विकास करना, यही गलत है। और जो गलत है वही सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन गलत है, माने जो गलत है वही सही है, इसका विकल्प क्या होगा? चौथा सही है। अगर परीक्षा में आप लगाएंगे तो इसका चौथा विकल्प क्या करेंगे? आप सही करेंगे कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक, सटीक ज्ञान नहीं बताना है, आपको उनके अंदर जिज्ञासा जगाना है। आपके अंदर ये तीन काम करने हैं चौथा काम छोड़कर, और ये चौथा काम पूछा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, और हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य केवल केवल सिलेक्शन है और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3, क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो पर्यावरण की किताबें चलती हैं वह कक्षा 3 और 5 में चलती हैं, 3, 4, 5, मतलब 1 और 2 में पर्यावरण की किताब EBS नहीं चलती। एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके इसका जवाब देंगे, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये भी आपको मेरे नोट्स में मिलेगा, बड़ा आश्चर्य होगा कि सर ये सारे नोट्स आपने था, मतलब अगली बार जो परीक्षा दिया था अगर आपके नोट्स पढ़कर तो सभी का होगा, इसीलिए हमारे सीटेट कोई फेल नहीं होता, लोगों को क्लासेस कम लगती है, लेकिन मैं जो देता हूँ सॉलिड देता हूँ। कुछ लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते कहते सर आपके यहाँ तो कम क्लासेज है, लेकिन उससे नहीं,
ठीक। और जो कह रहे हैं ये आज के 2 साल पहले हमारी वीडियो उठाएंगे तो भी हमारी कंटेंट यही है, और अगर आज उठाएंगे तो भी हमारी कंटेंट यही है। हम लोग वो जो सिलेक्शन लोग वाले पढ़ाते हैं जो खुद क्वालिफाई है, ठीक। आज के 2 साल पहले की हमारी वीडियो देखेंगे फिर भी आपको लगेगा हम प्योर एनसीईआरटी पढ़ाते थे, तब क्यों उठा के पीडीएफ और पेपर दिखेगा, अंतर आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि पर्यावरणीय अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कक्षा 1 और 2 में, ठीक है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण के लिए कोई अलग कोई पुस्तक नहीं होती, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती। जब अलग पाठ्य पुस्तक नहीं होती तो क्या होता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है, ध्यान से देखिएगा, एनसीएफ 2005 क्या होता है, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बालकों को जो आपको शिक्षा देनी है वो क्या करना है, उनके आसपास के परिवेश से जोड़कर देना है। कहां से? बच्चों के आसपास का जो परिवेश है वहां से आपको जोड़कर देना है। जब बच्चों के परिवेश से आपको जोड़कर देना है तो उस बात को ध्यान दीजिएगा, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, अवधारणा मुद्दों को, फिर कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अवधारणा मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा को, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, तब आप कमेंट करके बताइए इसमें से क्या कमेंट, कौन सा टॉपिक आपको सही लगेगा, फटाफट से कमेंट करके एक बार बताइए। सभी लोग, जो लोग भी लाइव वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताएं। आइए हम आपको बताते हैं, देखिए कक्षा 3, 4, 5 सीटेट का प्रश्न, एक प्रश्न ये भी पूछा है कि किस कक्षा में ईवीएस किताबें चलती हैं, तो केवल कक्षा 3, 4 और 5 में। यहां पे देखिएगा कि पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, इन अवधारणाओं के मुद्दों को सम्मिलित किया गया है कहां पे, कक्षा 3 और 5 के संकलित करता है। इसमें इसके प्रश्न का उत्तर जो होगा ये दूसरा इसका राइट आंसर होगा, सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके स्क्रीनशॉट चाहता हूं कर सकते हैं, बाकी ये भी आपको नोट्स मिल जाएगा हमारे शिक्षण वाले नोट्स में, अगर आपने पढ़ा होगा तो भी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। जल्दी साइंस और आर्ट की क्लासेज, एक क्लासेज हम अटेंड करना शुरू करेंगे। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को फटाफट कमेंट करना है और कमेंट करके प्रश्नों का जवाब देना है। फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। फटाफट बताइएगा, अभी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या किया था, फटाफट कमेंट करके बताइए जल्दी से सभी लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं। देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कि जो पर्यावरणीय किताबें होती हैं वो कक्षा 3, 4 और 5 के लिए होती है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास भी है, तीनों पढ़ी है, लेकिन मेरे पास जस्ट पास में यहाँ पे पढ़ी है, देखिए कक्षा 5 के आसपास, ये कक्षा 3, 4, 5 में चलती है, ठीक है। तो जूनियर साइंस शुरू करेंगे, साइंस और सोशल दोनों शुरू करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ लोग चौथा कह रहे हैं, मैं बता दूं चौथा कक्षा 1 में विज्ञापन, सामाजिक विज्ञान, ये कक्षा 1 और 2 में नहीं पढ़ाया जाता, ये बात आप जानते रहिएगा, ये विकल्प पहले गलत हो गया। फिर कह रहा है कक्षा 2, 3, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता, जी नहीं, इसकी अलग पाठ्य पुस्तक होती है जिसका नाम आसपास है, जिसका नाम क्या है आसपास, इसका नाम क्या है आसपास, इसका मतलब ये भी विकल्प आपका गलत। जब ये भी विकल्प गलत, और आगे बढ़ते हैं, तब आप देखेंगे कि कक्षा 1 से 2 की कक्षा के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है, यह भी जब हमारा नोट्स पढ़े होंगे इलेनी बद्रुगेश का, तो उसके लास्ट में जो शिक्षण दिया गया है वहां पर इस बात का जिक्र किया गया था। अभी विकल्प है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, जी नहीं, वो मैंने आपको पहले बता दिया 3, 4 और 5 में पढ़ाया जाता है। इसलिए इस दिए गए प्रश्न का जो विकल्प राइट आंसर है वो क्या है, दूसरा है। मैंने यहाँ पे गणित और भाषा इन दोनों के साथ पर्यावरण पढ़ाया जाता है, इसके लिए कक्षा 1 और 2 में अलग से पर्यावरण की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती, अलग से जो पाठ्य पुस्तक होती है कक्षा 3, 4 और 5 के लिए होती है, जिसका नाम आसपास है, जो किताब इस तरह से आती है जो मेरे पास पड़ी हुई है आसपास के नाम से, तीनों लेकिन अंदर रखी हुई है, ड्राफ्ट में मैं आपको भी दिखा देता, क्लियर।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिदिन रात 9:30 बजे ईवीएस की महागाथा सीरीज, यहां से अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, यहां पे कह रहा है कि पर्यावरण, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ये क्या इंगित करता है? फटाफट आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें, फटाफट कमेंट करके दिखाएं। जो सबसे पहले कमेंट करेगा इसका मतलब उसको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा, जहां पे सर्च करेंगे आप दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे, फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि पर्यावरण में आपके 28 नंबर का हम आपसे वादा करते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लास नोट से उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। ऑनलाइन क्लास के लिए आप अगर जुड़ना है तो 6306344367 पर आप जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन क्लास रात 9:30 बजे आपको पर्यावरण की, 7:30 बजे गणित, 8:30 बजे हिंदी और 6:30 बजे CDP और 3:30 बजे संस्कृत और 12:30 बजे इंग्लिश पैडागॉजी। आइए आप ये बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। आपने विधि पढ़ी होगी आगमन शिक्षण विधि, आपने आगमन शिक्षण विधि पढ़ी होगी, उसमें देखा होगा कि बच्चों को जो खोजने की विधि होती है वो बच्चों पे छोड़ दी जाती है। किस पर? वो बच्चों पे छोड़ दी जाती है। जब ये विधि बच्चों पे छोड़ दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? बच्चे उसमें मेहनत करेंगे, अध्यापक कोई काम नहीं रहेगा, तब उसे हम कहते हैं कि यह कौन सा होगा? बाल केंद्रित विधि होगी। क्या होगी? बाल केंद्रित। और विकल्प गलत कैसे है? यहाँ पे कहा याद करना, याद करना नहीं होगा, बच्चों को सूचनाओं से बचाना है, ये गलत होगा, शिक्षण केंद्र है, ये गलत होगा। इसलिए तीन अपने आप गलत हो गए NCF 2005 के आधार पर, क्योंकि मैंने आपको बताया है जहां पे शब्द आ जाए याद करना वो गलत, याद करना जहां जाए वो गलत, फिर अगर आ जाए कि सूचना इकट्ठा करना वो गलत, और जहां पे आ जाए केंद्र शिक्षक केंद्रित है वो गलत, क्योंकि ये तो बाल केंद्रित है, क्योंकि बच्चे स्वयं खोज रहे हैं। क्लियर? प्रीवियस ईयर पेपर का ये महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? यह भी हमने पढ़ाया है, यह भी NCERT में मिल जाएगा, अगर आपने NCERT पढ़ी होगी तो आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, ये प्योर हमारे नोट्स में और NCERT मिल जाएगा, देखिएगा अगर आपने NCERT पढ़ी होगी तो NCERT, ये NCERT किताब है और यहाँ पे देखिए दिया गया है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ पे नए पाठ्यक्रम थीम और थीम के बारे में चर्चा की गई है। इसीलिए मैं कहता हूं NCERT पढ़ने के लिए आप कहीं से कुछ पढ़ डालें, NCERT में चीजें हूबहू मिल जाएंगी। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या है। देखिए इसका उत्तर जो होगा, हमने यहां पे देखा है परिवार, मित्र है, भोजन है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, लेकिन जानवर नहीं है, और यही इसका उत्तर सही है। सुझाव प्रकरणों का उप प्रकरण क्या है? देखिए यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो इसके जो पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम में बांटा गया है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, 6 थीमों में बांटा गया है। अगर 6 थीमों लिखना चाहे तो फटाफट लिख लीजिएगा, NCERT के आधार पर 6 थीम है, परिवार मित्र है, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक है। और जो जानवर है ये उप थीम है, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे, ये लोग उप थीम में आते हैं, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? जानवर इसका राइट आंसर होगा। हम पूरी तरह से NCERT, क्योंकि आप देखेंगे पूरा प्रश्न NCERT से आता है, बाहर से एक प्रश्न भी नहीं आता, बहुत सारे कोचिंग संस्थान चलाते हैं लेकिन NCERT के बाहर कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो मैं चाहूंगा इसका कमेंट करके आप सभी लोग जवाब दें और वीडियो को फटाफट सभी तक पहुंचाएं, शेयर करें, चाहे हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी आप लाइव देख रहे हैं, सबसे पहला काम इसे शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, फटाफट बताइएगा। फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा जो लोग भी लाइव देख रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर हल किया होगा तो आपको मिल जाएगा ये 8 दिसंबर का।
8 दिसंबर 2019। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है कि केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना चाहिए नहीं, ऐसे अगर भाषी कहता है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित नहीं रहना है, हमें क्या करना है, किसी भी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़कर बताना है। अगला, पर्यावरण अध्ययन के 6 उपकरण को रेखीय आयोजन करना, जी गलत, ये भी नहीं है। फिर यहाँ पे देखना है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, आपको पता है बच्चों को सूचनाएं ज्ञान याद करना से वंचित करना है। अब आते हैं विकल्प ए की तरफ, विभिन्न कक्षा के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, जी हाँ आपको पता होना चाहिए कि हमारे जब हम पर्यावरण पढ़ते हैं तो पर्यावरण पढ़ने के बाद हमने देखा होगा अलग अलग संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, कभी हम टापरिकोवा की बात करते हैं, कभी हम केरल की बात करते हैं, कभी हम गोवा की बात करते हैं, कभी मेघालय की बात करते हैं, कभी असम की बात करते हैं। तो माने जब हम एक शिक्षित रूप में प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे तो वहां पे बहु सांस्कृतिक की बात करेंगे, हम अनेकता में एकता की बात करेंगे, हम पूरे देश की बात करेंगे, हम समूचे राज्य की बात करेंगे, हम कभी केरल का खाना पढ़ते हैं, कभी तमिलनाडु के बारे में पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं कहां मछली पकाकर खाई जाती है तेल में, कहां पर मछली नारियल तेल में पका के खाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, अनेकता में एकता को बताना, इससे बच्चों के अंदर जिज्ञासाओं उत्पन्न होती है, बच्चों के अंदर क्या होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होता है। और याद रखिएगा बच्चों को सूचना नहीं देना है, सूचनाओं से बचाना है, यह कथन आएगा गलत मानिएगा, उनको 6 रेखीय उपकरण जी नहीं, 6 थीम है, केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित होना जी नहीं, पाठ्य पुस्तक पर नहीं आश्रित रहना है, उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना है। आपको अगर समझ में आ गया हो तो पहला काम वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं स्वयं 3 बार सीटेट टेट क्वालिफाई हूं और इस बार शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में मेरा पूरा स्टाफ 69 शिक्षक भर्ती में हो चुका है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग उन बंदों में से हैं जो स्वयं सेलेक्ट हैं, आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कभी परीक्षा नहीं दिए हैं, वो लोग भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना, हमें शब्दावली पे ध्यान रखना है, ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण है, तो फटाक से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्या ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण है, फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा क्या है। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें फटाफट सभी लोग, और कारण के साथ सभी लोग कमेंट करें, कमेंट के साथ इसकी व्याख्या भी बताएंगे। आइए देखते हैं हम लोग यहां पे क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर बताया है। देखिए कह रहा है कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना, देखिए पर्यावरण कहता है कि बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, हम चीजें कैसे बनाते हैं, इसका पार्ट का इस थीम का उद्देश्य यह है कि हम ये जाने कि बच्चे जैसे अभी आपको पढ़ाना है कुम्हार, तो एनसीईआरटी कहता है पहले उनको कुम्हार के बारे में बताइए, हो सके तो उन्हें उन कुम्हार तक ले जाइए, अगर मकान पढ़ाना है मकान पढ़ाने से पहले बच्चों को मकान तक ले जाइए, और जब मकान तक जाएंगे, मकान तक जब बच्चे जाएंगे तब वहां पे आप वो देखेंगे मकान कैसे बना है, तो उनके बाद सीखने की जिज्ञासा है। माने ये तो सही है, बच्चों के समुदाय के सदस्य, देखिए बच्चों के समुदाय के सदस्य है, अब ये बताना है पर्यावरण क्या है, बच्चे पर्यावरण का तो हिस्सा है, उनके जो आसपास है वो सभी तो पर्यावरण है, तो बच्चों को वही आपको बताना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को उसके परिवेश के बारे में जोड़कर पढ़ाना चाहिए, परिवार भी उसका अहम हिस्सा होता है, ये बातें आप लोग को पहले से जाननी होगी। अब आगे देखते हैं थोड़ी सी बात और आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, तो याद रखिएगा कि हमें पर्यावरण अध्ययन की अगर पाठ्य पुस्तकें जो हम आसपास के नाम से जानते हैं एनसीईआरटी के रूप में आसपास, इनका भी हम सहारा ले सकते हैं, लेकिन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा ने क्योंकि हमें याद करवाने रटने से बचना है, इसलिए यहाँ पे 3 टॉपिक आपके सही है, ए बी सी डी गलत है, ऐसा आपको एक विकल्प मिलेगा केवल विकल्प ए, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। हमें एनसीईआरटी सारा डेटा पूरा एनसीईआरटी का है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो क्लिक कर लीजिएगा। अगला आपके सामने आता है
ध्यान से देखिएगा कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे और एकमात्र उद्देश्य हमारा केवल केवल सिलेक्शन होना चाहिए, हर हाल में क्वालिफाई करना है और प्योर एनसीईआरटी से। सभी लोग बताएं फटाफट। जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने में प्रभावशाली तरीके जोड़ा जा सकता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए आप लोगों ने क्या क्या बताया, एक बार हम देख लेते हैं। अच्छा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिया है, कोई बात नहीं, और हम लोग भी उस बात को देखते हैं। एक मिनट रुकेगा, थोड़ी सी टेक्निकल इशू भी बीच बीच में आती है, उनको भी हमें दूर करते रहना होता है और फिर बाद में आपके सिलेक्शन की भी बातें करते रहना होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं, सभी को बताएंगे। जैसे अगर किसी बच्चे को अगर आप ये बताएंगे कि बेटा, जैसे आपने कभी अंग्रेजी का पोयम या कोई कहानी पढ़ा है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात थी, एक राजा रहा करता था, वो बहुत ही घमंडी रहा करता था। तो जो बताते हैं, तो जैसे कि आप कभी चिड़ियाघर में गए, या अगर भ्रमण विधि पे ले जाते हैं बच्चों को, अगर हम भ्रमण विधि पे ले जाते हैं, तो जो भ्रमण विधि से बच्चा आता है तो क्या क्या सीखता है। तो भ्रमण विधि के बारे में बच्चे से पूछेंगे, बेटा ये बताओ तुम अपने सर जी के साथ, अपने मैडम जी के साथ जब आप वहां पे गए थे, घूमने गए थे, तो आपने क्या क्या देखा। तो क्या करेगा, सब कुछ बताएगा कि सर पहले गाड़ी लाए थे, फिर गाड़ी में हम लोग बैठे, वहां गए, वहां जाने के बाद सबका नाम पूछे सर, उसके बाद सबको बैठाए, फिर चिड़ियाघर में घुमाया गया, हम लोग खूब खेले, फिर सर ने हम लोग को लाई नमकीन खिलाई, फिर पूड़ी भी हम लोग को मिली थी, वहां पे बड़ा सा भालू था। तो क्या करता है बच्चा, वृत्तांत बताता है आपको। क्या करता है, वृत्तांत बताता है। क्या करता है, उसका वृत्तांत पूरा बताता है, भ्रमण विधि का। क्लियर। दूसरा, कहानियां। बच्चों को पढ़ सीखने प्रभावशाली तरीका क्या है, वृत्तांत और कहानियां, माने वृत्तांत के द्वारा आप उसे अच्छी तरीके समझा सकते हैं। दूसरा, कहानियों के माध्यम से। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, जो मैंने आपको पेट क्लास में पढ़ाया, जो मैं क्लास सीरीज किया था एनसीईआरटी में, आपने एक बात देखा होगा, मेरे नोट्स में भी देखा होगा, पूरी तरह से कहानियां। जैसे आपने वहां पे देखा कि जब सुनीता विलियम्स को लेकर, चाहे गांधी जी को लेकर, मतलब चाहे पेट को लेकर, एक कहानी बनाई गई थी ताकि उनमें दिलचस्पी आए और दिलचस्पी जिज्ञासा है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वृत्तांत और कहानियां। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली से व्याख्या करना यह गलत है, क्योंकि प्रभावशाली नहीं करना है, बच्चों को क्या करना है, एकदम जीरो से हीरो बनाना है, जीरो से हीरो बनाना है, इसलिए यह गलत। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या करना यह भी गलत। इसका मतलब, इसका उत्तर होगा केवल ए और बी, और ए और बी कहां पे है, ए बी सी डी। अच्छा, यहां पे है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा केवल ए और बी, मतलब वृत्तांत और कहानियां, ये दोनों गलत है। तो जितने लोगों ने बी बताया था, उन सभी के जवाब पूरी तरीके सही और सत्य थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां से चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन, उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। यह हमने एनसीईआरटी में पढ़ाया है, ये क्लास थर्ड में है, ये क्लास थर्ड के एनसीईआरटी में आसपास में है, जो आपको हमारे इलेवनी दुर्गेश के नोट्स में भी मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट करके जरूर देंगे। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा और अपने जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए फटाफट, बताइए। देखिए इसमें क्या मैंने पढ़ाया, अगर आज को मैंने पेड क्लास से किसी ने अगर लेक्चर पूरा देखा होगा, तो आज की क्लास से मैंने उनको लेक्चर में दिया है, जो पेड क्लास के मेंबर यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास। देखिए जब हम बच्चों को चित्रों का अवलोकन करते तो उनके अंदर सृजनात्मकता का गुण आता है। जैसे अभी छोटे बच्चे को अगर हमने गाय के बारे में बताया, गाय के बारे में बच्चा जानता है, तो भैंस को अपने आप जान लेगा, बेशक वो ये ना जाने कि गाय भैंस में क्या अंतर होता है, लेकिन गुण दोनों को एक जैसा जानेगा। तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा, बच्चों में अवलोकन करना, रचना कौशल का विकास करना। जब बच्चा चित्र के माध्यम से जानवरों का अवलोकन करता है तो क्या करता है, उसके अंदर क्या होगा, रचना कौशल, अवलोकन करना, इन सभी गुणों का
इन सभी गुणों का क्या होगा, आप उसके अंदर विकास होगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने किसी बच्चे ने क्या किया, जैसे उसने गाय के बारे में पढ़ा, भैंस के बारे में पढ़ा, तो जो भैंस पढ़ेगा तो देखा कि भैंस को पूंछ होती है, तो उसके दिमाग में पूरा चित्र बन जाएगा भैंस का, भैंस कैसा बच्चा होता है, भैंस क्या होता है। आपने देखा होगा सीटेट प्रश्न पूछा है कि भैंस की पीठ में बगुला बैठा है, ये पूछा है ना, तो उसका उद्देश्य यही है। फिर कह रहा है बच्चों में सौंदर्य का संवेदना का विकास करना, ये भी मैंने आज आपने पढ़ाया, उनके अंदर संवेदना का विकास करना है, उनके अंदर प्रेम का विकास करना है, ताकि बच्चों से जंतुओं से घृणा न करे, उसे पाले, उसके नजदीक जाए, उसके वजह से क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा, और लोक रचनात्मक कौशल का विकास होगा, सौंदर्यगत संवेदना का विकास होगा, इस प्रकार जानवरों के प्रति उनकी प्रेम निष्ठा जगेगी। इस प्रकार इसका उत्तर ए बी और सी मान इसका उत्तर चौथा है, अर्थात इसका उत्तर चौथा इसका राइट आंसर है, इसका उत्तर क्या होगा, ए बी सी होगा। तो आप लोग अगर आपने हमारी क्लासेज एनसीईआरटी पूरी पढ़ी होगी तो कभी यहाँ के प्रश्न का गलत नहीं होंगे, सीटेट 120 प्लस से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बसरते एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है, और प्रतिदिन रात 9:30 बजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसकी क्लिक कर लें, इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद हम टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे, टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर्च करके इन लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपके सामने प्रश्न आ गया है, टेलीग्राम पे आपको दुर्गेश सर सर्च करना बिना स्पेस के और जुड़ना है ई लर्निंग विद दुर्गेश। ठीक है, बिना स्पेस के सर्च करिएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 शिक्षा भर्ती लिखित परीक्षा के ऑनलाइन क्लास और नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे आपको। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मन इनको समूह में करने पर बल दिया जाता है, क्यों, अब आपको उत्तर देना है। आपके सामने कोई प्रश्न है, आप लोग फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट प्रश्न का जवाब देंगे। फटाफट बताइएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे, और अगर आपको बेहतर लगेगा तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, हमें उत्तर से ज्यादा इसके शिक्षण पद्धति को समझना है, हमें उत्तर से ज्यादा प्रश्नों के तरीकों को समझना है, हमें उत्तर से ज्यादा इसके उन तर्कों को समझना है, ताकि भविष्य में यहां से प्रश्न गलत ना हो, इस बात को हमें समझना है। आइए इस बात पर हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति। जी गलत, क्योंकि अगर आपकी कक्षा में पूरी तरह से अनुशासन है तो आपकी कक्षा एनसीईआरटी 2005 को नहीं फॉलो करती, इसलिए यह आपका गलत है। फिर कह रहा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना है, आपने समावेशी शिक्षा पढ़ी होगी, तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि जो बालक या बालिका होते हैं, जो बालक या बालिका होते हैं वो अपने सहपाठी द्वारा, जैसे अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आपके बगल वाला लड़का गलत लिख रहा है, अगर आपको देखकर सही कर रहा है, इसका मतलब कि वो समूह, इसलिए समूह बनाई जाती है। फिर क्या रहा है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, माने जैसे बहुत सारे बालक होते हैं अलग अलग समाज से आए होते हैं, तो यहाँ पे जो शिक्षण पद्धतियां होती हैं वो एक सामाजिक अंतःक्रिया हो जाता है, मतलब वहां पे भेदभाव नहीं होता, इसलिए ये भी सर्वोत्तम है। फिर क्या, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों को समय से पूरा करने में सहायता करता है, जी ये गलत है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर बी और सी है, और बी और सी आपको मिलेगा विकल्प नंबर 3 में, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी और सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आया, इसको क्या किया, इस प्रश्न को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया हम लोगों ने समावेशी शिक्षा का, मतलब समावेशी शिक्षा का प्रयोग हमने पर्यावरण कक्षा में किया और हमें उत्तर मिल गया, इसलिए आपको सभी चीजों को पूरी अच्छी तरीके से पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो आगे एक प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो इस क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए, क्योंकि काफी लंबी क्लास हो जाती है, और जब क्लास लंबी हो जाती है, यह भी हमारे नोट्स में है, इसके पहले जो हमने पढ़ा ये भी नोट्स में था, और हमने लेक्चर में पढ़ाया है, हमने जब लेक्चर में दे रहा था वहां पे मैं इसको पढ़ाया था कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या है। क्या सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, तो बताइए, आज की क्लास खत्म किया जाए कि आप लोग शेयर करेंगे, आज की क्लास खत्म किया जाए कि आप लोग इसको शेयर करेंगे, अगर आप कहें तो आज की क्लास यहां पे खत्म कर दी जाए,
और कल से फिर मिलते हैं हम लोग इसके बाद, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते, आपकी संख्या कम, इससे ये लगता है कि हमारे पढ़ाने में शिक्षण में कोई ना कोई कमी है, इसी वजह से आपकी संख्या लगातार कम रहती है। आइए देखते हैं परिवार के सदस्य, परिवार और मित्र आपके सिलेबस में, इसका उद्देश्य है उस लड़के समाज में लोगों के साथ सीखे। समुदाय के सदस्य के साथ बच्चे सीखते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। जैसे किसी का नाम आपने कैसे याद किया था, जैसे आपके पापा का नाम, चाचा का नाम, चाची का नाम, आपने किसने सिखाया था, आप अपने समुदाय सीखा था, सबसे अच्छा साधन हुआ ना। फिर समाचार पत्र, लेकिन कक्षा बाद में, इसलिए इसका उत्तर सबसे प्रभावशाली में होगा परिवार सदस्य समुदाय, और ये होगा ए बी सी, मतलब इसका उत्तर इसने तीसरा बताया था, उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही थे। ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये खड़े खड़े पैर दर्द होने लगता है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए फटाफट। अगला है, निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, तो जल्दी से उम्मीद करता है इसका जवाब देंगे, और अगर आप जवाब देने में कामयाब होते हैं तो हमें भी पढ़ाने में काफी खुशी और अच्छा लगेगा। फटाफट कमेंट कर बताएं, बताइए फटाफट। बताइए जल्दी से क्या करेंगे, मैंने पढ़ाया था, मैंने एग्जांपल देते हुए पढ़ाया था ये, क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, अगर आप शेयर करेंगे चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे जहां भी देख रहे हैं, हमें भी इस बात की खुशी मिलेगी। देखिए आइए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आपको बच्चों को ऊर्जा पढ़ानी है, बच्चों को जल पढ़ाना है, बच्चों को हवा में भार होता पढ़ाना, तो क्या करते हैं, जैसे अगर बच्चों कोई चीज पढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज का उदाहरण देते हैं जो बच्चा पहले से जानता है, माने उसी चीज का एग्जाम्पल देते हैं जो बच्चा पहले से जानता है, उसके बाद हम उसको आगे लेकर चलते हैं। इसका मतलब है हम उसे ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं। जैसे अगर हमें आपको पढ़ाना है भोजन, तो क्या हम डायरेक्ट भोजन टॉपिक लिखते हैं कि आज हम लोग बच्चे भोजन पढ़ेंगे, क्या हम डायरेक्ट भोजन लिखते हैं, जी नहीं, पहले में कहते हैं अच्छा बताओ कितने लोग घर से खाना खा के आते हैं, सब कहते हैं सर मैं खाना खा के आता हूँ, अच्छा आप लोग टिफिन लाते हैं, हाँ सर मैं भी टिफिन लाता हूँ, मैं भी, अच्छा टिफिन में क्या क्या लाए हैं, हम सभी का टिफिन खोल कर देखते हैं, फिर खाने के बाद करते हैं, फिर कहते हैं ये क्या है, कहते हैं ये भोजन है, तब वहां से एक टॉपिक निकलता है भोजन, माने उस भोजन को पढ़ने के लिए, भोजन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, उनके ज्ञात तथ्यों का सहारा लेते हैं। अब भोजन में क्या करते हैं, अब कहते हैं अच्छा ये बताओ सब्जी किसकी है, उन्होंने कहा सर आलू की है और रोटी है, तो रोटी कहाँ से आई, रोटी मम्मी ने बनाई, अच्छा रोटी मम्मी बनाई, मम्मी के पास कहाँ से आया, तो बच्चा कहता है सर पापा लाए थे बाजार से, बाजार में कहाँ से आया, कहता है सर वो खेत से गया था, खेत में कहाँ से आया, तो कहे पापा बोए थे फिर खेत में हुआ, फिर उसकी थ्रेसरिंग हुई, हमने वहां पे क्या सीखा, थ्रेसरिंग। तो हमें भोजन और फसल पढ़ाने के लिए हमने क्या किया, अज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए इसका उत्तर जो होगा ये चौथा। अगर कोई केबीएस में इंटरव्यू देने जाएगा तो हमारे एग्जांपल वहां पे काम आएंगे, इसलिए हमारी क्लास अगर आप पढ़ेंगे तो हम जैसे टीचर हो ये लगातार अध्ययन अध्यापन वाले हैं जो स्वयं परीक्षा देते रहते हैं, इसलिए हम लोग के पास जो ज्ञानार्जन मिल जाएगा पुराने लोग के पास संभवतः न मिले, जो आपके पास मिल जाएगा वो पुरानों के पास नहीं, क्योंकि आप लोग मेहनती हैं और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते खेत में नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा है, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, नहीं है आपको बताना है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। फटाफट बताइएगा, बताइए फटाफट कमेंट करके। आइए आप लोग यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं, यहाँ पे पर्यावरण सीखने का रचनात्मक क्या है, देखिए पोर्टफोलियो क्या है ये भी सीखने का रचनात्मक पहलू है, वर्णन अभिलेख ये भी है, लेकिन वार्षिक उपलब्धि जो होती है यह है जो रचनात्मक आकलन का यह साधन नहीं माना जाता, यह रचनात्मक आकलन का साधन नहीं माना जाता, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो डी का जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा, क्या पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये आज का आखिरी प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो आप लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसी के साथ ये आज का आखिरी सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? तो फटाफट आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि काफी लंबी क्लास हो चुकी है, अभी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। कल मिलते हैं फिर रात 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 और कल से 10:30 बजे की भी क्लास आपको मिलेगी। रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आपके रेस के घोड़े हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो बेहतर लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। ईश्वर करे आप लोग दिन दोना रात चौगुना आगे बढ़ते रहे और लगातार अपने प्रगति की पथ पर बढ़ते रहे। अगली बार जब मिले आप एक सहायक अध्यापक के रूप में मिले, और बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो वीडियो देखेंगे नहीं, पहले लाइक करते हैं, उन ईश्वर उनकी बुद्धि विवेक इसी तरह बनाए रहे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अच्छे लोगों की तलाश करता है। तो आप भी अच्छे हैं और अच्छे लोगों की तलाश हम भी करते हैं, और हम भी आप जैसे लोगों की कद्र करते हैं। तो उन सभी साथियों का जिन्होंने शेयर किया, जो लाइक किया है, उनके लिए हम हमेशा दुआ करेंगे कि वो हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। और एक माता पिता और एक टीचर ये हमेशा चाहता है उनके बच्चे उनसे आगे जाएं। क्या आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे क्या सोचेंगे उनसे आप आगे ना जाएं? आप सोचेंगे DM बने, कलेक्टर बने, BSA बने, आप भी हमेशा सोचेंगे, ठीक है? तो आप जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बताइए क्या होगा? देखिए इसके बारे में मैं आपको व्याख्या करके बताता हूँ। सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले लीजिएगा। मैं इसकी विस्तृत व्याख्या बता रहा हूँ, और टेलीग्राम पे आप दुर्गेशर सर्च करिएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक होगा, वहां से टेलीग्राम पे जुड़िएगा, क्योंकि जो पहली लिंक होती है वो यूट्यूब पे नहीं जाती, आपको टेलीग्राम पे जाती है। तो टेलीग्राम से लिंक से आप क्लास में आ जाएंगे और हमारी क्लास को पूरा पढ़ पाएंगे, क्योंकि 7 से 8-8 क्लास होती है, सभी क्लास आपको नहीं मिल पाती, तो टेलीग्राम पे सभी क्लासे मिल जाएंगी। देखिए बच्चों को सीखने का गुणात्मक आकलन करना ये गलत है। अच्छा ये पहले हम इसको समझाई देते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना, तो आपको पता है हमें बच्चों को आकलन को सही गलत में नहीं आंकना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है किससे आपको दूर करना है, तो आपको पता होना चाहिए ये गलत है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कम आंकना पूछा है। क्योंकि हम अगर बच्चों को सही और गलत में आंकना शुरू करेंगे तो बच्चे के अंदर एक चीज होगी, पता है क्या, कि जो बच्चा है, जो बालक है, वो रटने की प्रवृत्ति आ जाएगी, वो अभिव्यक्ति नहीं होगा, वो आपकी कक्षा में बोलेगा नहीं। इसलिए हमें किसी भी बच्चे की सही या गलत को नहीं आंकना है, उसे पूरे बोलने की स्वतंत्रता देना है, बल्कि शाबाशी भी देना है कि बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, आप इसी तरह बताते रहिए जैसे हम आपकी तारीफ करते हैं। आप गलत या सही बताएं, क्योंकि आप 1000 गलती करेंगे सही है, लेकिन आप परीक्षा हाल में गलती करेंगे तो आपके लिए पूरी जिंदगी गड़ेगा। इसलिए यहाँ जितनी गलतियां करना है कर ले, परीक्षा हाल में मत करेगा, क्योंकि आपकी गलती का मूल्यांकन हम करने वाले कौन होते हैं, आपकी गलती का मूल्यांकन CBSE करेगी। इसलिए बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना ये हमारा काम नहीं है। ऐसे 2005 ये कहता है हमें बच्चों को हमेशा अभिप्रेरित करने हैं, उनके अंदर जिज्ञासा लाना है, उन्हें आपको बोलने देना है। आप ये चाहें आपकी कक्षा में हर एक बच्चा बोले, इसलिए जो हमें प्रश्न पूछना है ऐसे प्रश्न नहीं पूछना है जिसका एक उत्तर हो। जैसे हमें ये नहीं पूछना है वर्षा क्यों होती है, हमें ये पूछता है अगर आपके यहाँ वर्षा ज्यादा होगी तो आपके घर क्या क्या होगा, तो सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि वो उस पर सभी जवाब दे सकते हैं। हमें प्रायः हमेशा ऐसे प्रश्न पूछना है जिसका उत्तर सभी बच्चे दे सके। इस प्रकार कक्षा में EBS पाठ पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करिए तो सही बात है, ये हमने आपको पढ़ाते समय पेड क्लास में बताया था। आकलन के संकेतों का उपयोग ये भी हमारे नोट्स में बताया, अगर आपने नोट्स ऑनलाइन लिया होगा, ऑफलाइन तो आपको पता होगा। बच्चों के सीखने में गुणात्मक आकलन ये भी आपने पढ़ा होगा, माने ये सारा टॉपिक जो है ये आपको करना है, लेकिन यह आपको नहीं करना है, इसलिए इसका उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। इसलिए आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको लग रही है यह क्लास इलनी दुर्गेश की सीटेट के लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूँ कि सीटेट यहाँ से कोई फेल नहीं होगा, बस आपको जो हमने ऑनलाइन नोट्स और वीडियो लेक्चर दिया उससे ज्यादा मत पढ़िए। पढ़ने के लिए लोग कहते हैं इतने में कैसे होगा, जी इतने में होगा, NCERT के बाहर कुछ नहीं आना है, चाहे NCERT 2005 की बात करें, RT 2009 की बात करें, समग्र शिक्षा की बात करें, चाहे आप वाइगोत्स्की की बात करें, पियाजे की बात करें, थंडाइक की बात करें, उन सभी की थ्योरी आपको इसी में आएगी और इसी शिक्षण को आपको हल करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टाइम टेबल आपको पता होगा कि लगातार सुबह से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और पूरी रात चलती है, और आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, और साथ ही साथ 6:30 बजे CDP क्लास,
एकदम बेहतरीन क्लास जो स्वयं सीटेट क्वालिफाई है और उनके स्कोर सुन लेंगे, दाते तो लोग नहीं दबाएंगे। कितना? 6:30 बजे CDP, 7:30 बजे मेरी गणित, 8:30 बजे मेरी हिंदी शिक्षण, 9:30 बजे पर्यावरण और कल से 10:30 बजे की क्लास और लगते हैं रात में आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर सभी चीज़ें उपलब्ध है फेसबुक पे इलनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारा एक और चैनल है स्टडी विद दुर्गेश, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, इसका भी बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि आधी क्लासेज पे एक दो क्लासेज उस पे चलती है तो दोनों क्लासेज आपको लगातार विधिवत मिलती रहेंगी। ठीक है, डेली क्लास चलेगा तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, मिलते हैं सुबह। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इलनी विद दुर्गेश फेसबुक पेज इलनी विद दुर्गेश पर जल्दी मिलेगी। बाय बाय, वीडियो को शेयर करके जाइएगा आप लोग सभी। संजू सर पढ़ा के गए, संजू सर की क्लास 4:00 बजे थी। ठीक है, चले तब, बाय बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। नहीं, पेपर 2 में नहीं पढ़ना है NCERT, पेपर 2 में EBS नहीं पढ़ना है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पैसे नहीं कटेंगे आपके, लाइक कर देंगे पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन हाँ लोगों तक पहुंच जाएंगे, कर भला तो होगा। पता है मैं किसी दिन भी पढ़कर परीक्षा नहीं दिया, चाहे CTET हो, UPTET हो, SuperTET हो, सभी पास हो गया, अच्छे अंकों से हो गया, गिरि जनपद हमको मिल गया, तो कहीं ना कहीं कर भला तो हो भला। रेस के घोड़े रेस में चलते, खेत में। ठीक है, बाय बाय।